बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोमिना सरवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लैपिस आर्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे हेड डायरेक्शन एनाटॉमी ड्राइंग्स। जब भी हम लोग कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी एनाटॉमी को हमेशा ठीक रखें। प्लेसिंग्स एंड मेजरमेंट्स हमेशा एनाटॉमी में ही आती हैं। तो फर्स्ट जो ड्राइंग मैं आपको करना सिखा रही हूँ ये है ऑन फ्रंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रूक्ड लाइंस बनाई दो इक्वली और उसके बाद उसमें सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उस सर्कल को हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू टू और अब इसके ऊपर हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारा हेड बनेगा। Your hands will help you to draw circles, but you need to do a lot of practice. So now we're gonna divide this circle again. लेकिन ये लाइन जो है हम लोग हेड के साथ अटैच करेंगे, वो क्यों वो बाद में बताऊँगी। और ये लाइन्स हैं हमारी आइज़ की और दोनों आइज़ के दरमियान वन आई का एक डिस्टेंस होता है और आप भी अपनी आइज़ पे चेक कर सकते हैं कि दोनों आइज़ के दरमियान आपकी वन आई जितना एक डिस्टेंस होता है। और अब मैं ये जो लाइन लगा चुकी हूँ ये है ईयर्स के लिए यानी कि कानों के लिए और ये है लिप्स के लिए। तो ये हो गया हमारा ऑन फ्रंट व्यू यानी कि डायरेक्शन जब हम सामने से देख रहे होते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज सेमी प्रोफाइल डायरेक्शन। उसी तरह क्रूक्ड लाइन बनेगी लेकिन अब की बार थोड़ी सी छोटी एक बनेगी। सर्कल अटैच नहीं होगा फर्स्ट लाइन से और उसके अलावा उसी तरह ये चार हिस्सों में बटेगा। ईयर लाइन भी बनेगी और उसके अलावा लेकिन हमारा फोरहेड वाली जो लाइन है वो डिफरेंट होगी बिल्कुल ऐसे। और उसके अलावा हमारी जो आइज़ की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, एक सर्कल से बाहर होगी और एक सर्कल के सेंटर से शुरू होगी और हमारे लिप्स भी डिफरेंट होंगे। और ये हो गई हमारी हेड की लाइन और ये बन गया हमारा सेमी प्रोफाइल व्यू। एंड थर्ड वन इज थ्री क्वार्टर हेड। इसमें क्या है कि हम लोगों का फेस मुड़ा भी होता है लेकिन ना हम लोगों की मेजरमेंट डिफरेंट आती हैं। जैसे कि एक आंख जो होती है वो मेजर करें तो दूसरी आंख के इक्वल ही होती है, छोटी होती है। तो इसी तरह हम लोग बॉल बनाएंगे जिस तरह हमने पहले भी बनाया था और उसी तरह सब होगा। लेकिन आपको इसमें देखना ये है कि फीचर्स मैं कहाँ प्लेस कर रही हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको इन्हें नीम इंसानी शक्लें बना के दिखाने वाली हूँ। लेकिन मैं करूँगी ऐसा कि फीचर्स पे अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आइज़ पे अलग से, नोज़ और इस तरह फ़ीचर्स हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक हमें फ़ीचर्स ड्रॉ करने नहीं आते, उनको शेड करना नहीं आता, तब तक हम उनको प्रॉपर एज़ इट इज़ बना नहीं सकते जैसे इक्वल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इन्हें फ्री हैंड ही बना सकते हैं। तो अगर आपकी लाइंस बिल्कुल सीधी नहीं है या बिल्कुल आप एक सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते तो कोई मसला नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं साइड व्यू बना रही हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट व्यू ये है। अब आप सोचेंगे कि मेरा फेवरेट ये इसलिए क्योंकि इसमें दो आँखें नहीं बनती होंगी, लेकिन नहीं जनाब, ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ऐसा मुझे लगता है। इससे पहले कि मैं इसमें कुछ और चेंजेस करूं, मैं आपको अपनी ड्राइंग बुक दिखाती हूं कि मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी बार इसकी प्रैक्टिस की थी तो मैं समझ पाई थी कि ये चीज़ क्या है, मैं क्यों बना रही हूं। ये मेरी असाइनमेंट थी कॉलेज की। चलें तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इनको शेप कैसे करेंगे। तो ये जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे बनेगा हमारा नोज़ और ये बनेगी आँखें और यहाँ बनेंगे आईब्रोज, ये बनेगी चिन जिसके साथ जुड़ेगी जॉ लाइन। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसी तरह प्रॉपर एक स्कल तैयार हो जाएगा।
एक्स्ट्रा लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। और इसी तरह हम लोग हेड का टॉप बना लेंगे, यानी कि अपना सर बना लेंगे जहां पर हमारे बाल बनेंगे। यहां करके आएगा हमारा नाक का सेंटर यानी कि टिप, और इधर आएंगे हमारे कान। हमारे नई ड्राइंग के मोमिना, एक बात मैं आपको और बताती चलूं कि आप अपनी पेंसिल से मेजर करते हुए फेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ख़त्म होता है आपका स्कल, और इसके ऊपर से शुरू होंगे बाल। आपने स्कल में बालों को एडजस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो हेयर स्टाइल्स के हिसाब से बनेंगे। वो कितना एरिया लेंगे वो बालों के स्टाइल पे डिपेंड करता है। अब हम फीचर्स को मार्क करेंगे जो कि फेस के बाहर बाहर है, यानी कि हमारे ईयर्स। डायरेक्शन की वजह से नाक यहाँ बनेगी, और इसकी प्लेसिंग ऐसे पता लगाई जा सकती है कि ऊपर सेंटर से लेके चिन तक हम एक कर्व्ड लाइन लगाते हैं, और उसके सेंटर में आपकी आ जाती है नाक की टिप, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह हम फेस के कट्स निकाल लेंगे। बेसिकली ये वो सांचे होते हैं कि जिनमें हम इंसानी शक्ल को ढाल सकते हैं। हम कोई भी फेस इनको बनाने के बाद उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम उस पर ड्राॅइंग ऐसी कर सकते हैं कि उसका फेस बन जाए, यू नो। तो ये हो गया हमारा सेमी प्रोफाइल व्यू। इसमें हमारा चेहरा थोड़ा सा टर्न हुआ हुआ है। अब आ रही है 3/4 की। आपको ये देखते देखते ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मेरे ख़्याल में अगर आप उसको देखते देखते मेरी तरह ही ट्राई करेंगे तो आपको शायद चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। मैंने स्टार्ट ही इसलिए इन एंगल से लिया था ताकि आपको हर एंगल में बारी बारी समझा सकूं। जी तो अब बारी है लास्ट और मेरे फेवरेट साइड व्यू की। इसमें नाक आपकी जो स्ट्रक्चर है ना, इससे बाहर जाता है, यानी कि जो आपने बनाई हुई है ना लाइंस, यहाँ करके आता है वो। फिर से मैं आपको बताऊं कि इस तरह अगर आप कर्व्ड लाइन लगाएंगे ना, तो उसका जो बिल्कुल सेंटर होगा ना, वहाँ आपके नाक की टिप आएगी। और देखें कितनी जल्दी इंसानी शक्ल दिखने भी लग गई है, बस इसमें फीचर्स की कमी है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है कि हम किस तरह से एक इंसान की एनाटमी को फॉलो करते हुए उसकी ड्राइंग करते हैं। और एनाटमी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर हम एक इंसान को बना रहे हैं तो। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई एनाटमी ड्राॅइंग्स ऑफ स्कल्स। मैं पार्टली फीचर्स बनाना भी सिखाऊंगी इन्हीं पे, अगर आपने वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्ड दिया तो। मुझे आप लोग अपनी ड्राइंग्स भेजते हो, मुझसे क्वेश्चंस करते हो, उनका बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करती हूँ, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और अच्छी बात यह है कि आप इसको सीख भी रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्जी, और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।